नॉक हो जाएंगे। मैंडी की तरफ बढ़ रहे हैं खिलाड़ी। हाइड्रा का स्क्वाड, चार फ्रैग्स इनके खाते में, एक और प्लेयर को शट डाउन करेंगे। फ्यूरी को स्पर्श ने डाउन किया, राइट अवे फिनिश भी कर दिया है। दो प्लेयर भले ही बचे हैं टीम हाइड्रा के, लेकिन दम अभी भी उतना ही है, अभी भी लड़ रहे हैं। सेल्सियस फ्यूरी ने इस बार ट्रायआउट को टेक डाउन किया, एक और खिलाड़ी नॉक होता हुआ। 21 खिलाड़ी बचे हुए हैं। सर्कल हमारा स्टेज 5 का चल रहा है, पानी के उस पार एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है। देखिए टीम हाइड्रा को तो पिन कर दिया, अनलेस यहाँ पे 8 बिट के ऊपर एक नॉक निकले तब तक हाइड्रा के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। रौनक की जगह पे सही फेंका था, लेकिन थोड़ा सा कवर के पीछे है, हल्का सा जंप करके फेंकते तो ज्यादा बेहतर होता। हाइड्रा वर्सेस टीम 8-bit। 8-bit की खास बात यहाँ पे ये है कि दो खिलाड़ी स्प्लिट है। नाउ रौनक इज प्रोबेबली ट्राइंग टू मेक अ मूव स्लोली स्लोली, ये भी आगे बढ़ते हुए। स्पर्श भी इंतजार कर रहे हैं, मौली का प्रयोग करेंगे और यहाँ रौनक को बच के रहना पड़ेगा। चलिए सही था, पीछे डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था और हाइड्रा की पोजीशन का अंदाजा तो है ही पूरा। देखते हैं कैसे निकालते हैं। पर चलिए यहाँ पे हाइड्रा शेयर को डाउन किया, स्पर्श आखिरी खिलाड़ी बचे, पीछे से ब्लू जोन आता हुआ। जूसी के सेकंड डाउन एज वेल। 8-bit वर्सेस स्पर्श, 8-bit रौनक वर्सेस हाइड्रा। स्पर्श दोनों के बीच में बैटल, एक तरफ है डीबीएस, दूसरी तरफ भी डीबीएस है। कनेक्शन की कोशिश, बट इस बार कनेक्शन मिलेगा स्पर्श को। 8-bit से छीन लिया है विनर विनर चिकन डिनर। हाइड्रा एक और बेहतर परफॉर्मेंस इस टीम द्वारा और एक बेहतर विनर विनर चिकन डिनर हो रही है। शेर का शिकार हो रहा है, प्रेगॉड पे प्रहार हो रहा है। स्पर्श और स्टार बॉय यहाँ पे कोशिश कर तो रहे और आंगुटान पे स्ट्राइक बैक करने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा आसान नहीं है। शेर उठ चुका है और अब शेर दहाड़ेगा, अब शेर चिंगाड़ेगा और सामने जाके प्रोबेबली अपना ये ड्रैगन का वार करेगा। बट मुझे लग नहीं रहा अभी के लिए इस जगह को छोड़ना एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इट्स बेटर कि आप वेट कीजिए, क्या पता का लक आपके साथ रहेगा तो ये सर्कल भी आपका साथ देता नजर आने वाले। मेडल का भी एलिमिनेशन हुआ है, लक तो रहे, चांसेस भी यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं टीम मेडल के भी। जी हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी परेशानी। टीम सोल यहाँ पे वर्सेस टीम हाइड्रा। पंक लो एचपी पे है, हंटर्स नीचे की तरफ लो रिच पे है हंटर्स, और उस जगह से मुझे लगता नहीं कुछ खास कमाल कर पाएंगे। स्प्रे गॉड का ये ग्रेनेड पंक को करेगा डाउन, अनदर ग्रेनेड हिट्स हंटर्स, ही इज आल्सो डाउन। एंड नाउ ट्रायआउट 16, आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं। पंक को रिवाइव करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन राइट साइड से प्लेयर फ्लैंक करेंगे। Has he been spotted? I believe उनको स्पॉट कर लिया गया। लेफ्ट से प्लेयर स्टार बॉय भी आगे आते हुए बगी का इस्तेमाल करेंगे। स्प्रे गॉड, इन्हें पता है ये खिलाड़ी काफी शानदार है, ट्रायआउट भले ही नाम में है बट डेफिनेटली इस खिलाड़ी में पोटेंशियल है, लेकिन ये पोटेंशियल का कुछ कर नहीं पाएंगे जब आपके मुंह के सामने आगे फटेगा। तो टीम आ सकती है, लेकिन प्लीज जोन से टीटी फॉक्स को वहां पर नॉकआउट हो जाना, ये थोड़ा सा टीम तबिलास का दिक्कत भरा अब सफर हो सकता है आगे का। और जहां तक मुझे नजर आया WSB का कंफर्मेशन इसी बीच हमें देखने को मिलता नजर आएगा। बाकी चैट ड्रैगन ईस्पोर्ट, तो जी हां, ये भी टीम एक कंटेंशन में बनी हुई थी टॉप 5 में, इनका भी नाम शुमार था। बट ये स्प्रे ट्रांसफर पहले डैमेज जरूर दिया गया, अपने आप को उन्होंने हाइड कर टीएमजी खिलाड़ियों ने, तुरंत आगे बढ़े। बट ये देखिए जिसने जोखिम दिखाया, ट्रायआउट आपको इतना भी ओपन में अपने आपको वल्नरेबल सिचुएशन नहीं लाना था। और यहां पर फ्यूरी पहले रिवाइवल देते अपने साथी को, फिर आगे जाने की कोशिश करते, पर टीएमजी का ये वार काफी, और हाइड्रा का ये वार काफी लाजवाब। और अब एक स्लैम इनके ऊपर आता नजर आएगा, किलर रिफ्लेक्स बचना काफी मुश्किल, पीछे से ही प्रहार हो रहा था, सामने से प्रहार होता, और देखते ही देखते यहाँ पर अब तीन टीम्स हमें देखने को मिलती नजर आएगी, और जिसमें से वो आखिरी खिलाड़ी अभी भी शायद या तो हील बैटल या तो इंतजार कर रहे हैं इस फाइट के अंत होने का। इनसे देखिए अभी स्प्रे गॉड और स्टार बॉय सोच रहे हैं रिवाइवल हो जाए, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस है तो रिवाइवल हो नहीं सकता। लेकिन ये ड्रैगन ईस्पोर्ट्स की तरफ ग्रेनेड, चलिए जिमी का जाएंगे आगे, लेकिन स्प्रे गॉड का ग्रेनेड सही समय पे गया और अपना यहाँ पे फायदा कर लिया है। मिस्टर IGL somehow टॉप 3 तक अपनी जगह बनाते हुए, एंड प्रोबेबली चांस है टॉप 2 में आ सकते हैं, हैशटैग 2 तक अपनी जगह बना लेंगे। टीम हाइड्रा बहुत ही शानदार खेल रही है, शुरुआत में इतने फ्रैग नहीं आए थे लेकिन अपने लिए फ्रैग्स भी निकाल रहे हैं। स्पर्श को बचाना चाहते हैं बट इन दिस टाइम थोड़ा सा मुश्किल है स्पर्श को बचा पाना, रिस्क लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जिमी का रिवाइवल हो चुका है बट आई थिंक स्पर्श वहां पे कॉल आउट दे रहे होंगे धीरे धीरे। यहां से सुपर बॉय भी बढ़ रहे हैं, पेड़ है लेफ्ट साइड पे, पेड़ के कवर में जाना चाहते हैं। एंड ही हैज बीन स्पॉटेड, जिमी की तरफ ये ग्रेनेड जो आया है जिमी का स्प्रे गॉड की तरफ, वो बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल सकता था। एक और ग्रेनेड फेंका गया है, अब आगे की तरफ प्लेयर बढ़ना चाहते हैं। वन मोर ग्रेनेड स्प्रे कर सकते थे, जिमी लो एचपी पे है। सुपर बॉय स्टन का भी काफी अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों द्वारा, बहुत सही स्टन करके यहाँ पे फायदा उठाया। लेकिन अफसोस हाइड्रा के स्प्रे गॉड लो एचपी पे ही सही सर्वाइव कर लिया है, और अब टीम तमिलनाडु के मिस्टर IGL somehow he has managed to come to the second spot, बच गए हैं। हैशटैग 2 पे अपनी टीम को ले आया है टीम हाइड्रा, यहाँ पे चिकन डिनर निकालती हुई नजर तो आ रही है हमें।
लेकिन टीम तमिलास को भी दाद देनी पड़ेगी। टीम तमिलास भी काफी शानदार टीम और अभी ढूंढ रहे हैं टीम तमिलास के मिस्टर आईजीएल को और वो भी पानी के तरफ आ चुके हैं समवॉट, इन्होंने लैंड एरिया हिट कर दिया है। देखा जरूर था लेकिन उनको पता था कि वहां से सही नहीं है, तुरंत पानी में गए और अभी टीम हाइड्रा के ड्रैगन लग रहा है यहाँ पर। और अभी के लिए चलिए, शेर ने भी यहाँ पर एक खिलाड़ी को करा है ढेर, पर टीम तमिलास इस चीज का डर था, यहाँ पर फ्रैग्स निकाले जरूर हमने यहाँ पर, लेकिन हाइड्रा का घेराव और शायद टीम तमिलास इस चीज में थोड़ा सा फंसती नजर आ सकती है। ट्राई जरूर करें मेंटियो जी, कोशिश कीजिए तो फाइट में अब इन्वॉल्वमेंट रखने की इच्छा रख रहे हैं तो प्रॉपर ये फाइट में फुल फोकस रखे, बट देखते ही देखते यहाँ पर तीन खिलाड़ी नेस्ता नबूत यहाँ पर कर दिए जाएंगे, बट क्या वो आखिरी खिलाड़ी भी बच पाएगा? नहीं लग तो रहा है, चांसेस जरूर क्रिएट कर रहे हैं बट अभी भी देखा जाए मेंटी कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रा का जिस तरीके से एग्रेसिव पुश उनके ऊपर आ रहा है वो जितनी देर तक अगर होल्ड कर पाएंगे उतना बेहतर, क्योंकि यहां से अगर सर्वाइवल भी आ जाते, देखिए टॉप सिक्स में टीम आ चुकी है, अब कोशिश करनी पड़ेगी मेंटी को कि इस फाइट को थोड़ा सा अभी के लिए पॉज कर पीछे हटकर अब सर्वाइवल के लिए खेलने तो बेहतर है, क्योंकि 1v2 हो तो जरूर सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट यहाँ पर थोड़े से और बैठे हुए इस सिचुएशन पे। डीवीएस के कुछ शॉट्स लेंगे, जंप शॉट्स मारने की कोशिश, स्मोक्स के थ्रू ब्लाइंड कर दिया था विजन, बट स्प्रे गॉड का ग्रेनेड आएगा मैंटी को फिनिश। इसी दौरान टीम तमिलास भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगी, एनिमल द लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम हिज टीम। अब क्या ये एक प्लेयर कर पाएंगे, बट ये क्या देख रहे हैं हम, एनिमल एक क्लच करके जाते हुए नजर आ सकते हैं, टीएमजी को वो एलिमिनेट कर सकते थे बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। 8bit भी यहां पर एलिमिनेट होगी टीम हाइड्रा एंड हमारे साथ तीन और टीम्स जुड़ती हुई नजर आएगी। ये चार टीमें बच रही है, ड्रैगन स्पोर्ट्स, टीएमजी, टीम हाइड्रा, जेनेक्स एफएम, ये चारों टीम्स। अब देखना ये है कि इन चारों टीम्स में से कौन सी एक लौती टीम रहेगी जो चिकन डिनर की तरफ जाएगी। देखिए फिलहाल तो ड्रैगन स्पोर्ट्स की नजर बनी हुई, कुछ भी करके इस मैच में अंक निकल जाए तो बेहतर रहेगा। पिछले मुकाबले में देखा जाए, पहले दो मुकाबलों में से ही बना रखी बिल्कुल बीचों बीच। हाइड्रा को तो देखा जाए तो एंट्री लेने ही देने वाले हैं यहाँ पर, बट अब ये फाइट 4v2 की देखने को मिलती नजर आएगी। हाइड्रा टॉप टू में एक बार फिर से यहाँ पर शामिल हो चुकी है, बट क्या ये 2v4 निकाल पाएंगे सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जेनेक्स एफएम कोशिश कीजिए थोड़ा हाइडिंग गेम प्ले भी रखिए, मतलब अपने आपको थोड़ा सा ओपन मत लेके आए, बट स्प्रे गॉड अब वो भी नॉकआउट हो जाएगा तो लग रहा है कि अब उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती नजर आएगी। एंड हियर वी गो, जेनेक्स एफएम मेडल स्पोर्ट्स इस चीज का सही फायदा उठाएगी एंड टीम सोल को भी एलिमिनेट करेगी, बट हाइड्रा के शेर उनका ही शिकार हो, टीम तमिलास के फॉक्सी ओपी को डाउन करेंगे। क्या ये 1v2 में क्लच हो सकता है कि नहीं, स्प्रे गॉड के पास डीबीएस गन की मदद से वो क्लच जिगल पे जिगल कर रहे थे, 1v2 भी कर लिया जाएगा उनकी तरफ से, 1v3 पे ये कन्वर्ट हो सकता है एंड आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर ये कन्वर्ट भी स्प्रे गॉड। The ultimate battle begins from here and the insane fight, Spray God, क्या यहाँ पर fight उनकी तरफ से हो रही है, तीन finishes उन्होंने एक साथ निकाल दिया, but Spray God, अचानक से यहाँ पर Genesis का grenade आता है। शेर चीते भाई आज तो डायनमो भाई, हाइड्रा स्पोर्ट्स भाई टूटू लगा कर खेल रही है भाई, बैक टू बैक दपा दप लपा लप मारे जा रही है, पता नहीं क्या खेल रही है आज, अरे मतलब मारे जा रही है भाई आज तो, तगड़ा मार रही है भाई आज तो, प्राउड फील हो रहा है आज टीम पे, अच्छी बात है, अच्छा खेल रहा है भाई को, बट सीन क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं है, आई नो आ जाएगी आ जाएगी। मैं यही नहीं कहता कि हर दिन ऐसा ही जाना चाहिए हमारा, हर दिन ऐसा किसी का नहीं जाता है, कोई भी टीम हर दिन इतना बूम बाम नहीं खेलती है, हर दिन किसी ना किसी का खराब जाता है, बट अच्छा एक मैच है अभी, थोड़ा सा बेटर एक मैच है अभी, कह तो रहे वन मैच रिमेनिंग, और अभी के लिए टीम हाइड्रा बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, ये अच्छी टीम है, ये मार के खेलती है, ये अपने लिए फ्रैग निकाल के खेलती है, मैंने ऐसा कोई मैच नहीं देखा जहां पे हाइड्रा ने चिकन निकाला और उनके दो चार फ्रैग थे, हाइड्रा जब चिकन निकालती है बहुत सारे फ्रैग निकालती है। सो गाइस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, हेल हाइड्रा।